Now write down the heading. Chemical structure of DNA. Chemical structure of DNA. देखो बच्चों, दिस वन इज अ 5 कार्बन शुगर, यहां पर अटैच है नाइट्रोजिनस बेस, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड, यहां पर अटैच है फॉस्फेट, ये कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोईस्टर। ये कौन सा होता है? एन ग्लाइकोसिडिक। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड न्यूक्लियोटाइड पर। इस न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट इसके किस कार्बन से अटैच होगा? यहां कौन सी लिंकेज होगी? 3.5 फॉस्फो डाईस्टर लिंकेज। क्लियर? अच्छा, नाइट्रोजिनस बेस किस नंबर के नाइट्रोजन से अटैच होता है? इस कार्बन से। इसका तो कार्बन नंबर फर्स्ट है। नाइट्रोजिनस बेस का कौन सा नाइट्रोजन यहां पर अटैच होता है जो बनाता है ना एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो बन रही है शुगर की साइड से, जो एन आ रहा है नाइट्रोजन वो आ रहा है नाइट्रोजिनस बेस का, तो वो एन कौन से नंबर का अटैच होता है यहाँ पर? इसको फाइंड आउट करना। प्यूरीन में अलग होता है, पिरिमिडीन में अलग होता है, ठीक है ना? अब देखो, यहाँ पर एडिनिन है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ग्वानिन है, तो यहाँ पर, यहाँ थायमिन है, तो यहाँ पर एडिनिन। सेम चीज ये इस तरीके से कंबाइंड होगा। ये यहां पर कंबाइंड होगा। ओके, अब फॉस्फेट और शुगर मिलकर डीएनए की क्या बनाते हैं? बैकबोन। क्या बनाते हैं? बैकबोन। फॉस्फेट एंड शुगर, फॉस्फेट एंड, ये कौन सा एंड होगा इस साइड वाला? ये फिफ्थ कार्बन था, यहां कौन सा कार्बन है? थर्ड। ये कौन सा एंड होगा? थर्ड। यहां कौन सा कार्बन है? यहां कौन सा कार्बन है? फिफ्थ। तो जो दूसरी बैकबोन है ये थर्ड एंड, ये फिफ्थ एंड। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं ना, तब ये एंड काम आते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। यहां होगा ए टी, यहां होगा जी सी, यहां होगा टी ए। क्लियर? इसको बना लो।